हेलो गाइस, कैसे हो? सब बढ़िया? मैं भी ठीक ही हूँ गाइस। एक अच्छा कार्टून वीडियो बनाने के साथ साथ आपको अपने कैरेक्टर का वॉइस भी अच्छा होना चाहिए, तभी आप एनिमेशन के फील्ड में सफल हो पाएंगे। सो आपके कमेंट को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपको कार्टून वॉइस ओवर करने का सही तरीका और कुछ ऐसे वॉइस एक्सरसाइज बताने वाला हूँ जिससे आप अपनी खराब आवाज को एक वॉइस आर्टिस्ट की तरफ बना सकते हैं। तो चलिए प्यारा सा वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपकी ये कन्फ्यूजन दूर कर दूं कि कोई भी एनिमेटर अपने कैरेक्टर का वॉइस अपने मुंह से चेंज करता है, ना कि किसी ऐप या सॉफ्टवेयर से, जैसे मैं अपने वीडियो में करता हूँ। हेलो गाइस, 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 ओह हेलो गाइस, हेलो गाइस, कैसे हो? हेलो गाइस, हेलो गाइस, हेलो गाइस, हेलो गाइस, हेलो गाइस, हेलो गाइस, कैसे हो? तो इन सारे वॉइस को मैंने अपने मुंह से निकाला है, मुंह से चेंज किया है। तो आपको भी कैरेक्टर का वॉइस अपने मुंह से निकालना है, जैसे एनिमेशन और कार्टून फिल्मों में जो पीछे का आवाज होता है उसे वॉइस ओवर आर्टिस्ट ही अपनी आवाज देते हैं, तभी वो इतना अच्छा लगता है। ऐसे तो वॉइस डबिंग से रिलेटेड कोर्स करना पड़ता है, लेकिन अगर आप इन 5 स्किल्स को फॉलो करेंगे तो बिना कोर्स किए ही अच्छी वॉइस ओवर कर सकते हैं। पहला, भाषा पर अच्छी पकड़। सबसे पहले तो आपके कैरेक्टर का जो भाषा है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, तमिल, बंगाली, मतलब कैरेक्टर का जो भी लैंग्वेज है उसका उच्चारण सही से आना चाहिए। जैसे इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड है जिससे लिखते कुछ और बोलते कुछ और है, जैसे करियर को हम कैरियर बोलते हैं, बेड को बैड बोलते हैं, सीट को सेट, इंजीनियर को इंजीनियर। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, अगर ये गलती करते हैं तो आपकी अच्छी खासी वीडियो मजाक बन जाएगी। तो ध्यान रहे, आप जिस लैंग्वेज में डायलॉग बोल रहे हैं उसका उच्चारण सही से होना चाहिए। दूसरा, सटीक उच्चारण। अगर आपको कोई वर्ड का सही उच्चारण जानना है तो गूगल ट्रांसलेट का सहारा ले सकते हैं। Career, व्यवसाय, engineer, 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 engineer। तीसरा, आकर्षक और दमदार आवाज। मेरे पास बहुत से कमेंट आ रहे थे कि सर मेरी आवाज बहुत ही खराब है, इसका कोई उपाय बताइए। तो आइए आज इसका भी राज जान लेते हैं। तो एक इंसान अपने शरीर के 5 जगहों से आवाज निकाल सकता है। पहला, पेट से, दूसरा छाती से, तीसरा गला से, चौथा नाक से और पांचवा दिमाग से। तो इन सारे अंगों से आवाज़ निकालने के लिए ये 5 एक्सरसाइज करना पड़ता है। पहला, अ, जिसे आपको अपने मुंह से बोलना है। जब आप इसे उच्चारण करेंगे तो आपके पेट से आवाज निकलेगी, तो ये अ का उच्चारण पेट के लिए होता है। दूसरा, ह, ये बोलने के बाद अब आपको ह बोलना है। ह, जब इसका उच्चारण करेंगे तो आपकी छाती से आवाज निकलेगी, तो ये छाती का एक्सरसाइज होता है। तीसरा, जी, इसके बाद जी बोलना है। जी, ये एक्सरसाइज गले के लिए होता है। चौथा, न, न, इसे बोलेंगे तो आपके नाक से आवाज आएगी। तो आपने बहुत से सिंगर के बारे में सुना होगा कि ये फलना सिंगर नाक से गाता है, तो वे इसी एक्सरसाइज को करके नाक से गाते हैं। तो न का उच्चारण नाक के लिए होता है। और पांचवा है एम का एक्सरसाइज, तो इसे भी बोलना है। एम, जब आप एम का उच्चारण करेंगे तो आपकी मस्तिष्क में झनझनाहट सी होगी, तो ये एक्सरसाइज दिमाग से आवाज निकालने के लिए किया जाता है। तो आपको ये 5 एक्सरसाइज लगातार 2 महीनों तक रोजाना कम से कम आधे घंटे तक करना है, और माँ कसम
जब आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे और अपने पांचों अंगों को मिक्स करके बोलेंगे ना, तो आपके सामने संकेत महात्रे और नेहा कक्कर भी फेल हो जाएगी। मतलब आपकी आवाज़ पहले से बहुत ही दमदार और बेहतर हो जाएगी और अपने गले से तरह तरह के आवाज़ निकालने लगेंगे। तो आपको अपनी आवाज़ को बेहतर और आकर्षक बनानी है तो इस एक्सरसाइज को ज़रूर करना। और मैं तो ये कहूँगा कि आप जब तक जिंदा है तब तक ये एक्सरसाइज करते रहना। और हाँ, अपने घर पर भी अपने फेवरेट कार्टून कैरेक्टर का आवाज़ निकालने की प्रैक्टिस करें। और इसके अलावा YouTube पर भी मिमिक्री सीखने की बहुत सी वीडियो है, उनको भी देखकर सीखिए। और वो क्या, मोबाइल में कहानियों को स्टोरी टेलर जैसे पढ़ना शुरू करें, क्योंकि एक्सरसाइज ही वो जरिया है जिससे आप अपने आवाज़ को बेहतर बना सकते हैं। चौथा, अपनी आवाज़ को कैरेक्टर के हिसाब से बदलने की क्षमता रखें। देखिए, ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब आप वॉइस ओवर करने वाले होते हैं तो सबसे पहले अपने कैरेक्टर को पहचाने कि कौन सा कैरेक्टर का वॉइस ओवर करना है, उसका वॉइस कैसे निकालना है, उसका इमोशन एक्सप्रेशन और फीलिंग क्या है और वो अभी कौन हालात में है। फॉर एग्जाम्पल, इस डायलॉग को आप कई तरीके से बोल सकते हैं। बचाओ, कोई मेरी मदद करो। 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 मतलब आपको कैरेक्टर में पूरी तरह से डूब जाना है और उसके एक्सप्रेशन और फीलिंग को समझ वॉइस ओवर करना है। और ध्यान रहे कि हर एक कैरेक्टर का अलग अलग आवाज़ देना है। जैसे लड़का का आवाज़ है तो लड़के की ही तरह आवाज़ निकालेंगे और लड़की की आवाज़ है तो लड़कियों की ही तरह आवाज़ निकालेंगे। पांचवा, वॉइस ओवर एंड वॉइस चेंजर ऐप। गाइस, वॉइस ओवर करने की बहुत सी ऐप और सॉफ्टवेयर है, लेकिन सब में सेम ही फीचर मिलता है। तो मैं आपको किने मास्टर से ही वॉइस ओवर करने का सजेशन दूंगा, क्योंकि मैं खुद इसी ऐप का इस्तेमाल करता हूं। और इसके अलावा इसमें वॉइस चेंजर का भी ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें वॉइस को कुछ अलग बना सकते हैं, लेकिन बेहतर आवाज़ तो आपको अपने मुँह से ही निकालना पड़ेगा। और एक बात, जब भी आप वॉइस ओवर करते हैं तो उसके सारे लेयर पिन कर दें। इसके बाद जितने भी क्लिप यूज करेंगे तो लेयर उसी जगह पर रहेगी, तो आपको एडिटिंग करने में आसानी होगी। सो दोस्तों, वॉइस चेंज करने का कोई ऐप या सॉफ्टवेयर नहीं होता है, बल्कि अपने मुंह से ही चेंज करना पड़ता है। तो अगर अपनी आवाज़ को बेहतर बनाना चाहते हैं तो वीडियो में बताई गई सारे एक्सरसाइज फॉलो करें। और जब आपकी आवाज़ में परिवर्तन हो जाए तो एक वीडियो बनाकर मेरे इंस्टाग्राम पर टैग करें। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो आगे भी बहुत सी वीडियो आने वाली है, थोड़ा वेट कीजिए। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।